बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर आबिद अली केमिस्ट। सो लेट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, 10th क्लास केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 13, बायोकेमिस्ट्री। उसका हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक बेटा एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है वो या तो मोनोसैकेराइड है या फिर विटामिन्स है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है विटामिन्स, इसमें क्या क्या ये क्वेश्चन किस स्टाइल से पूछा जाता है, इसमें जो शॉर्ट है वो किस तरह से आता है, और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस स्टाइल से पूछा जाता है, और इसके एमसीक्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर आ जाते हैं। तो इसको अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम विटामिन्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो पहले आप ये बात समझ लें कि बेटा जब हम फूड खाते हैं तो वो फूड क्या करती है, वो फूड हमारी बॉडी का पार्ट बन जाती है, वो हमारी बॉडी में एसिमिलेट हो जाती है। फूड का हमारी बॉडी का पार्ट बन जाना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, तो अब जो हम फूड खाते हैं उसमें जितने भी हमने मैक्रोमोलेक्यूल्स पढ़े हैं पीछे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, वो सारे के सारे हमारे फूड का कंपोनेंट होते हैं। लेकिन उसमें से एक और कंपोनेंट जो कि बहुत जरूरी है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है, वो है विटामिन्स। ठीक है, तो हम जितने जो पहले मॉलिक्यूल थे उसकी हमें हाई अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन विटामिन्स हमें वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। ये हमारी नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द विटामिन्स। विटामिन्स, व्हाट आर द विटामिन्स? बुक में इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, आप ये लिख सकते हैं। वो कह रहा है कि विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर एसेंशियल टू हेल्थ। ठीक है, और ये सप्लाई किए जाते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, और डाइट में ही प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम एक ऐसे डाइट खा रहे हैं जिसमें विटामिन की डेफिशिएंसी है, उस तरह के विटामिन्स नहीं है जो हमें चाहिए, तो फिर डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं कि आप विटामिन्स की जो टैबलेट हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, वो फूड के साथ लें। क्योंकि जब फूड के साथ हम लेंगे तो फूड की डाइजेशन होगी, और उसके बाद फूड के न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब होंगे, तो ये विटामिन्स भी उसी वक्त हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब होकर हमारे बॉडी का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है जी, तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1912 में हॉपकिंस ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, और इन्होंने कहा कि जो विटामिन्स होते हैं, दीज आर द एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। इसे क्या कहते हैं? तो ये अभी मैंने जो आपको पहले बता दी है कि इसके बगैर हमारी ग्रोथ रुक जाएगी और बहुत डिफरेंट किस्म के डिजीज होंगी जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो वो ये कहता है कि दीज के हमारी एसेसरी ग्रोथ फैक्टर नॉर्मल ग्रोथ के लिए कुछ सब्सटेंस नीडेड होते हैं। ठीक है, जिनको हम उन सब्सटेंस को फंक ने बाद में विटामिन्स का नाम दिया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं और बहुत स्मॉल अमाउंट में लिए जाते हैं, उसको फंक ने क्या नाम दिया, विटामिन्स का। और फिर उन्होंने एक विटामिन्स B1 डिस्कवर किया जिसका नाम थायमिन है। चलिए, ये आपके एमसीक्यूज भी है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स के बारे में कि टाइप्स क्या होती है विटामिन्स की। तो बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स। कुछ विटामिन्स वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम वाटर सोलुबल विटामिन्स कहते हैं, और कुछ विटामिन्स फैट्स में डिसॉल्व होते हैं, उनको हम फैट सोलुबल विटामिन्स कहते हैं, और यही इनकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट, अच्छा विटामिन्स देखें जी, लॉन्ग क्वेश्चन आया था 2013 में, 14 में, और आई थिंक 19 में भी आया है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसमें बाज का वो स्टेटमेंट पूछता है, डिफाइन विटामिन्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ठीक है, और बाज का वो सेम टाइप्स पूछ लेते हैं। तो टाइप्स की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन 2016 में भी आया था कि इनके जो है दो टाइप्स एक्सप्लेन करें, तो फैट सोलबल एंड वाटर सोलबल। अच्छा, अब आपने याद कैसे रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से फैट सोलबल होते हैं, कौन से वाटर सोलबल, क्योंकि हर साल यहाँ से एमसीक्यूज लाजमी आता है। ठीक है, तो आप ये देखें, सिंपल अगर हम अल्फाबेट्स लिखें, अगर हम एबीसी लिखें सिंपल, तो इसमें से ए बी सी डी ई के, तो इसमें जो बी और सी है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर सोलुबल है, बाकी सारे क्या है, फैट सोलुबल। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि
ए से लेकर के ई तक, उसके बाद के लेकर जो बी और सी है वो वाटर है, बाकी सारे फैट सोल्युबल है। चलिए फैट सोल्युबल विटामिंस क्या होते हैं, तो वो हमने डेफिनेशन पहले ही कर ली थी कि दैट व्हिच आर सोल्युबल इन फैट्स दे आर कॉल्ड फैट सोल्युबल। ये एमसीक्यू 2014-16 में और शॉर्ट क्वेश्चन 14 में आया था, तो वो इस ट्राई से पूछता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्युबल विटामिन या व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्युबल, तो आपने फिर बताना होता है। चलिए जी, तो ये होगी जी इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, अगर हम फैट सोल्युबल एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा खा लें तो क्या होगा बेटा, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमारी बॉडी में डिजीज होना शुरू हो जाएगी, लाइक दैट कि ये किडनी प्रॉब्लम्स कॉज करती है, ठीक है, और इस तरह से ये इफेक्ट करती है और बोन के अंदर पेन होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेशन क्या है वो मैंने बता दिया कि इसकी वजह से क्या होगी, डिजीज होगी, और उसकी एग्जांपल क्या है कि विटामिन डी की अगर हम ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो उससे बोन पेन होगी और किडनी के अंदर बोन लाइक जो है डिपॉजिट्स जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे किडनी में प्रॉब्लम्स आएंगी, किडनी डिसऑर्डर में। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इसकी कमी हो जाए, जितनी अमाउंट हमें लेनी चाहिए हम उससे कम लेते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम आएगी, अगर ज्यादा लेते हैं तो फिर भी मसले मसाइल है, कम लेते हैं तो फिर भी मसले मसाइल है। लेकिन वाटर सोल्यूबल में अगर हम कम लें तो इश्यूज होंगे, लेकिन ज्यादा लेने से इशू नहीं होंगे, क्यों वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो इससे क्या होगी, डेफिशिएंसी से भी डिजीज हो जाएगी, कौन कौन से डिजीज वो आगे टेबल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द वाटर सोल्यूबल सेकंड टाइप मेजर दैट इज, और यहां से एमसीक्यू देखें और शॉर्ट क्वेश्चन ही आए हुए हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिंस क्या होते हैं, दैट्स वेरी सिंपल, व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर। इसकी एग्जांपल क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। अच्छा, विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7-8-9 विटामिंस दैट, सो इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा है इंक्लूडेड 10 विटामिंस, ठीक है। बी ही बी के ही आगे कैटेगरीज होती हैं, वो कंबाइन होके तो इसे कॉम्प्लेक्स बनाती है एक विटामिंस का। तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम विटामिन, अच्छा एडवांटेज क्या है विटामिन, जो वाटर सोल्युबल विटामिंस होते हैं, These are excretable. It means कि अगर हम ये ज्यादा अमाउंट में ले भी लें तो हमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वाटर में सोलबल होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर होते हैं उसके अंदर ये डिजोल्व हो जाएंगे और फिर ये यूरिन के जरिए पास आउट हो जाएंगे, ठीक है, यूरिन के जरिए ये निकल जाएंगे, तो इसके एफिशिएंसी से कोई इशू नहीं होगा, लेकिन डेफिशिएंसी से डिजीज होगी। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये इस साल आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अगर जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपने ये हेडिंग्स आपने बुक में मार्क कर लेनी है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है उसकी दो हेडिंग बन जाती है जी। फर्स्ट पॉइंट इज हेल्थी डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस क्या है विटामिंस की, कि ये हमारी बॉडी की हेल्थी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड वन इज जो नेचुरल विटामिंस, वही यहाँ पे बता रहा है कि जो नेचुरल विटामिंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में एग्जिस्ट करते हैं, वही इनको बना सकते हैं, और ह्यूमंस इन विटामिंस को अपनी बॉडी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर वो अगर प्रिपेयर नहीं कर सकते तो अपने विटामिंस की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करेंगे, वो डाइट्स के जरिए और सप्लीमेंट्स के जरिए जो है वो विटामिंस अपनी बॉडी में लेकर जाएंगे, और फूड के साथ आपने यूज करना है, ये इस लाइन में लिखा भी होगा। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, ये आपने बता देना है। एसिमिलेशन, मैंने अभी आपको बताया कि एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाना जो हम फूड खा रहे हैं। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। चलिए, ये टेबल बना हुआ है आपकी बुक में, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और वो क्या है बेटा, ये देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये देखें, ये 2014 में और 17 में विटामिन ए के सोर्सेज पूछे गए थे, तो आप इसको बता सकते हैं। अच्छा, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपने याद रखना है, फिश, फिश क्या देती है, अंडे भी देती है, फिश के अंदर फैट्स भी होते हैं, ठीक है, और फिश में से ऑयल भी निकलता है, तो ये तीन चार चीजें याद रखें, तो और डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीजें इसमें आ गई, इसमें भी वो ये फिश लिवर ऑयल फैट्स, इधर भी ऑयल फैट्स, डेयरी प्रोडक्ट, जस्ट स्किन का फर्क है। तो विटामिन डी और ई के सोर्सेज ये हैं। यूजेस क्या है जी, यूजेस इसका ये है कि विटामिन ए जब हम लेते हैं तो ये हमारी एपिथेलियम जो स्किन होती है, जो अपर लेयर होती है, उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जितनी भी पूरी बॉडी है उसकी जो अपर स्किन है। नंबर टू, ये हमारी जो आर्म का एक पोर्शन होता है, बायो में आप जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, आईज के स्ट्रक्चर में, आईज के अंदर एक रेटिना होता है, एक लेयर होती है आईज की, उसको रेटिना कहते हैं, जिसके ऊपर फोकस होना होता है,
अगर वो उसको अगर वो रेटिना सही तरह नॉर्मल नहीं है तो वहां पर फोकस नहीं होगा और दिखाई नहीं देगा। जब वो दिखाई नहीं देगा तो जैसे ही शाम होगी, जैसे जैसे इंटेंसिटी लाइट की कम होगी, शाम होती जाएगी तो इंसान को नजर आना बंद हो जाएगा, उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है जी। और बास का विटामिन अगर ए कम हो जाए तो आईज में इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, आईज जो है वो सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा, तो नाइट ब्लाइंड के एमसीक्यूज भी पूछा गया कि विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी 15 और 18 में पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी की वजह से होने वाली डिजीज का नाम लिखें। विटामिन डी के भी इसी तरह है, जो सोर्सेज है इसका फंक्शन क्या है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाती है हमारी बोन्स के ऊपर, जिससे हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाती है इसको, ये एक बोन प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो बच्चों के अंदर ये बीमारी हो जाती है रिकेट्स, जिसको हम कहते हैं जी। यहाँ तक हमारा विटामिन का जो पोर्शन है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट एक पैराग्राफ दिया, येलो बॉक्स दिया हुआ, इसमें डिफरेंट एंजाइम जो है उसके यूजेस पूछेंगे। बेटा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज अक्सर बात आता होता है यहाँ से, ठीक है। तो डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में कह रहा है एज ए यीस्ट, तो एंजाइम का एज ए यीस्ट यूज करते हैं, जिसमें डिफरेंट एंजाइम है, डाइटेज, इनवर्टेज, जाइमेज, ठीक है, जो कि एथेनॉल अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। अभी जो रिसेंटली कोरोना वायरस में जो सैनिटाइजर बनता था तो उसको बनाने के लिए भी एथेनॉल लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, उसका मेजर कंपोनेंट है। तो एथेनॉल कैसे प्रोड्यूस करेंगे, एज ए यीस्ट। नेक्स्ट इज माइक्रोबियल एंजाइम जो है लाइक दैट, ये डिटर्जेंट्स में यूज होते हैं कि लाइक दैट कि जो हम खा रहे हैं खाना उसके अंदर जो फैट्स हैं, अगर हमारी बॉडी पे शोरबा गिर गया तो उसके अंदर जो फैटी है, जो लिपिड्स हैं, वो हमारे बॉडी के तो वो हमारे शर्ट के साथ अटैच हो गए, तो क्या होगा, एंजाइम उसके ऊपर एक्शन करेंगे और उसको वाटर सोलूबल में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो हमारी बॉडी से उतर जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूसेस की डाइजेशन के लिए और अच्छी तरह से उसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए, कलर को, तो उसके लिए भी एंजाइम यूज होते हैं। अमाइलेज एंजाइम है जी, ब्रेड प्रोडक्शन के लिए, ब्रेड की स्वीटनेस के लिए हम एंजाइम डालते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। लैक्टेज एक एंजाइम है बेटा, इसका क्या यूज है कि जो टॉफीज के अंदर और जो आइसक्रीम के अंदर जो एक क्लियर टॉफी है उसकी स्वीटनेस को इंक्रीज करने के लिए, आइसक्रीम की स्वीटनेस को इंक्रीज करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, दैट इज लैक्टेज, और ये बहुत दफे एमसीक्यूज बोर्ड में आ चुका हुआ है। लास्ट वन इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्रीज में इस चीज और योगर्ट्स बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो साथ साथ जो अगर आपने सारे लेक्चर लिए हैं तो आप इजीली उसको कर सकते हैं सोल्व, ठीक है। दिस इज आवर टुडेज लेक्चर, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।